आज का हमारा जो सेफ्टी अलर्ट है ये हमारी एक साइट है आईटीसी की, तेलंगाना में वहां का सेफ्टी अलर्ट है। उसमें तेलंगाना में हमारी एक साइट है आईटीसी की, आईटीसी कंपनी के अंदर सीमेंस की हमारी एक साइट है, वहां की सेफ्टी अलर्ट हम लोगों को मिली है। तो सेफ्टी अलर्ट में हुआ क्या था, ये डब्बा है इस टाइप का, इसके अंदर मशीनरीज आती है, आपकी साइट पर भी मशीनरीज आती है, ठीक है। जब इसके अंदर मशीनरीज आ रही है तो वहां क्या हो रहा था, वहां का जो बंदा है वो इस तरीके का नॉर्मल ग्लव्स पहन के, ये नॉर्मल ग्लव उसने पहन रखा था, नॉर्मल ग्लव पहनने के बाद जो है वो ये जो बॉक्स है वुडन का वो उसको ओपन कर रहा था। तो जब वो ओपन कर रहा था वो कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट यूज कर रहा था, ठीक है, जुगाड़ वाला या हथौड़ी बोल सकते हो, इस तरीके का वो इक्विपमेंट यूज कर रहा था। जब वो इक्विपमेंट यूज कर रहा था वो इस तरीके से कहीं ना कहीं खोल रहा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसको खोल रहा होगा, ऐसे खोलते टाइम पे क्या हुआ, कहीं पर उसकी उंगली ऐसे करके बीच में आ गई, ठीक है, उसका जो मिडिल फिंगर थी वो बीच में आ गई। अब बीच में आ गई तो उसकी मिडिल फिंगर में जैसे बीच में आ गई, उसने जाके अपने सुपरवाइजर को बताया कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया। आपको भी साइड पे बताया जाता है आपके साथ में कोई छोटी सी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, आपके साथ में कोई छोटी सी भी घटना या दुर्घटना होती है, आप आदमी अपने सुपरवाइजर को बताइए। अब देखिए एक बक्से में वो इस हैमर से खोल रहा था, उसके मिडिल फिंगर में लग गई, उसने जाके ये बात सुपरवाइजर को बताई और आज पूरे सीमेंस में ये बात फैल गई। क्यों फैल गई, सीमेंस में ये बात फैली है कि कोई बंदा इस तरीके से काम कर रहा था, उसकी उंगली में लग गई। जब हम लोगों ने उसका रूट कॉज एनालिसिस किया, जब हम उसकी जड़ में जाके पहुंचे कि हुआ क्या, तो पहली गलती तो ये, जब भी इस तरीके का कोई वुडन बॉक्स आएगा तो आपको इस हैमर से या कोई भी जुगाड़, इस तरीके का जुगाड़ या हैमर या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई दूसरा पाना, इन सब चीजों से आपको इस तरीके का बॉक्स खोलना ही नहीं है। इस तरीके का बॉक्स अगर आपके पास आएगा तो इस तरीके का एक इक्विपमेंट आता है जिसको बोलते हैं क्रो रॉड, ठीक है, क्रो रॉड, ठीक है, क्यों, इसका मुंह इस तरीके से नीचे गिरते हैं और नीचे से झुका हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जब इस तरीके का इक्विपमेंट आप इसको यूज करेंगे तो वो क्या होगा, इस तरीके से अंदर उसका मुंह फंस जाएगा, मुंह फंसने के बाद आप जैसे इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा। तो पहली गलती तो हम इस सारे सेफ्टी इंसिडेंट से क्या सीखते हैं, हमको हमारे यहाँ पर नहीं करेंगे, ये सेफ्टी अलर्ट से हम क्या सीखते, पहली चीज हमको कभी भी गलत इक्विपमेंट यूज नहीं करना है, जिस चीज के लिए जो इक्विपमेंट दिया है हमको उस चीज पे वही इक्विपमेंट यूज करना है, ठीक है। गलत इक्विपमेंट यूज करने से हमारे साथ इस तरीके की कोई दुर्घटना हो सकती है। तो पहली चीज हम क्या सीखे सेफ्टी अलर्ट से, आपको इक्विपमेंट सही यूज करना है, जैसा आपके SWMS में दे रखा है सेफ वर्किंग मेथड स्टेटमेंट, आपको उसी के हिसाब से आपको इक्विपमेंट यूज करना है, जो इक्विपमेंट जिस काम के लिए है आपको सिर्फ उसी चीज में यूज करना है। तो पहली गलती उस इंजर्ड पर्सन ने क्या करी, जिस बंदे के साथ में ये हुआ उसने गलत इक्विपमेंट का यूज किया, ठीक है। अब दूसरी गलती थी जब सब लोगों ने रूट कॉज एनालिसिस किया, जब उसकी तह तक जाने की कोशिश करी तो पहले तो पता लगा कि उसने इक्विपमेंट गलत यूज किया था। अगर इक्विपमेंट गलत यूज भी कर दिया तब भी आपके हाथ में या आपके पास में पीपीस तो होते हैं जो आपको आखिरी में बचा देते हैं, हाँ, तो वो बोले पीपीस क्यों नहीं बचा पाया, जब उसने ग्लव्स पहना था, जब देखा गया तो पता लगा ये वाला ग्लव है इस तरीके का, अब ये देखिए इसके अंदर आपकी कील लगी हुई है, हाँ, जब वो इस तरीके से कर रहा था, जब इस तरीके से वो काम कर रहा था तो क्या हुआ, ये उसका जो हाथ है गलती से उसके अंदर फंस गया। अब एक बात बताओ, आपका ये नॉर्मल वाला ग्लव है, क्या ये गलती से इस कील के अंदर जाएगा तो ये छूएगा आपको, लग सकती है आपको, हाँ, तो फिर बाद में पता ये लगा कि जो आपका ग्लव था वो गलत ग्लव उसने पहन रखा था। अब फिर क्या हुआ, सीमेंस ने पूरे देश में ऐलान करवा दिया, पूरे देश में ये अपना जितना एरिया में जितनी भी साइट सीमेंस की चल रही है उसने सब जगह ये सेफ्टी अलर्ट भेज दिया और मीटिंग ले ली कि अब कोई भी बंदा किसी भी काम को करते टाइम पे नॉर्मल ग्लव्स नहीं पहनेगा। जब भी कोई काम होता है आप लोगों का उसमें आप लोगों को ये ग्लव्स नहीं पहनना, अगर आप कोई हथौड़े से काम कर रहे हो या कोई ड्रिल से काम कर रहे हो या कट कर रहे हो कोई, या कोई नॉर्मल ऐसा कोई दूसरा काम कर रहे हो जिसमें आपका कट करने का खतरा हो, आपको कोई भी काम कर रहे हो आपको बिना ग्लव्स के नहीं करना है, ठीक है। अब फिर तब जाके सिग्नल्स ने ये ग्लव, सर आप लोगों को सबको ये ग्लव्स मिल गए हैं, अब ये ग्लव देने के लिए क्या हुआ, ये ग्लव क्यों देने के लिए बोला, ये ग्लव देने का क्या मकसद था, आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा डिस्टेंस बना के मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दो टाइप के आप ग्लव देख रहे होंगे, ठीक है,
ये है आपका नॉर्मल टाइप का क्लब, ठीक है, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, और हो गया ये तो आपका दूसरे टाइप का क्लब जो भी आपको मिलेगा और मिल गया, ठीक है, ये होता है कट रेजिस्टेंस क्लब, ठीक है, और ये होता है नॉर्मल वाला क्लब, ठीक है। ये दो टाइप के आपके ग्लव्स आप लोगों ने देख रखे हैं साइज में। अब इस कट रेजिस्टेंस ग्लव में और इस वाले ग्लव में अंतर क्या है? इस वाले अंतर में ये है, आप ये देख रहे हैं कि आपका कटर हो गया, ठीक है, ये कटर आपका, ये नॉर्मल वाला ग्लव है। इस नॉर्मल वाले ग्लव में अगर कटर लगेगा तो ये इसके अंदर जाके पंचर कर देगा। ये देखा आपने क्या हुआ, ये पंचर हो गया। अब आपका हाथ होता है इस जगह पे, तो इस तरीके से खून बहना चालू हो जाता। क्यों खून बहना चालू हो जाता? क्योंकि वो नॉर्मल ग्लव है, तो आपका हाथ इस तरीके से पंचर हो जाएगा। आपके हाथ में या तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या कोई कट हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, आपके साथ में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप ये नॉर्मल ग्लव करके पहनोगे। अब आप सपोज कर लो आपने ये वाला ग्लव पहना, ठीक है, ये वाला ग्लव उससे गीला हो गया है, पानी
हर बार कोई बड़ा बड़ा सेफ्टी अलर्ट आता है? कभी कोई ट्रेन का आता है, कभी कोई पटरी पे किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे ऐसे इंसिडेंट आप लोगों के पास आते हैं? कभी इतना छोटा टाइप का इंसिडेंट आपके पास आया? नहीं आया ना। पर एक बात बताओ, छोटे से इंसिडेंट के कारण आप लोगों के पास भी कोई सेफ्टी के ग्लव्स आ गए सबके पास में? पहले भी थे, पर अब आपको सारे काम में यही यूज कर रहा है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा ना आपके रिपोर्ट करने का। तो आपका कोई भी ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट आप लोग रिपोर्ट करोगे, वो हम लोग ऊपर भेजेंगे, फिर वो सारी साइंस को इम्प्लीमेंट होता है। हमारे लिए छोटी से छोटी चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों की जान बचाने के लिए। आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट ही हो, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ सीमेंस में जीरो हार्म कल्चर चाहते हैं। जीरो हार्म कल्चर का मतलब समझते हैं आप लोग? जीरो हार्म कल्चर मतलब शून्य दुर्घटना। हम छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं चाहते हैं, आप समझ रहे हैं? इतना सा भी इंसिडेंट नहीं चाहते कि किसी के हाथ में लग जाए, उसके हाथ में वहां पर खून भी नहीं निकला था, उसके हाथ में लगी थी, लग कैसे गई? हमारा बंदा है, सीमेंस का बंदा है, हमारा बंदा है, उसको लग कैसे गई? तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो आपको रिपोर्ट करना है, जितने ज्यादा अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट कर सकते हो करो। कोई भी नियर मिस आप लोगों के साथ में हो रहा है तो आप रिपोर्ट करो, और ग्लव्स आपको यही वाला यूज करना है, ठीक है? कि देख लो अभी भी पानी से भरा हो, गीला हो गया इसलिए इसका पानी गिर रहा है, बाकी भी भरा हो, ठीक है? चलो हो गया आप लोगों का।